अज फतेहगढ़ साहब विखे मैराथन ऑर्गेनाइज की गई है, जो कि अपना ऑनगोइंग प्रोग्राम चल रहा है रोड सेफ्टी वीक का। आज उसका कंक्लूडिंग डे हैगा। बहुत ही अच्छी पार्टिसिपेशन साढ़े को नंबर्स तो ज़्यादा एक्सपेक्टेड बच्चे आज इतने पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 150 तक का असी सोचा सेगा, पर 200 के करीब बच्चा आज पार्टिसिपेट कर रहा हैगा। इन्हां लई रिफ्रेशमेंट्स का भी अरेंजमेंट किया गया। जो UN रोड सेफ्टी वीक चल रहा है, ये बेसिकली सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट नू लैके ये सारे हफ्ते असी वक्त वक्त प्रोग्राम किए हैगे ने, ताकि आने वाले समय च जो पोल्यूशन क्रिएट हुंदा है गड्डिया करके मोटरसाइकल्स करके, एक सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट क्रिएट किया जाए जिदे कि मोबिलिटी इन टर्म्स ऑफ साइकलिंग ते वॉकिंग इंट्रोड्यूस की जाए दोबारा। पंजाब तो बहुत लोग हुन भी तुरदे ने ते साइकिल चलांदे ने, बाहरले मुल्कां च ये बिल्कुल घट गया हैगा। सो असी भी उन्हें दोबारा रीइंट्रोड्यूस करते हुए अज यह ऑर्गेनाइज किया। नौजवानों की अपील करना चाहते हैं? नौजवानों को यही अपील करना चाहनी है कि स्पोर्ट्स वाल अपना इंटरेस्ट बनान, ते स्पोर्ट्स वाल कोई ना कोई जरूर चाहे एज अ हॉबी ही उन्हें टेकअप किया जाए। कोई जरूरी नहीं है कि हर एक चीज़ जैसी करियर ओरिएंटेड ही रहना हैगा, बट एक अपना शौक नाल जरूर कोई ना कोई स्पोर्ट चूज करके ते उहदे च दिन च ज़्यादा नहीं एक घंटा जरूर लगाया। अज पंजाब सरकार दे उपराले तहत सरदार भगवंत सिंह मान साहब दी दिशा निर्देश तहत ग्लोबल सेफ्टी रोड वीक जिहड़ा मनाया जा रहा, वो तहत हाफ मैथन जिहड़ी दौड़ अज हुई है। तो मैं समझदा इहदे नाल साडे जिहड़े बच्चे ने बहुत वड्डी तादाद विच भाग लिया, उन्हां नूं रोड सेफ्टी बारे नॉलेज आऊगी और जो रूल्स ने जिहड़े कि अक्सर असी तोड़दे आ उन्हां नूं रूल्स नूं किवें अडोप्ट करना और डिसिप्लिन किवें रहना, ये अज जिहड़ा सानूं सब मिलूगा बच्चों नूं और सानूं सारिआं नूं। सो इस तरह के उपराले होंदे रहने चाहिए ने जिहदे नाल लोकां च और साडी आउण वाली पीढ़ी च अवेयरनैस आवे ट्रैफिक रूल्स की। यह बहुत वड्डा जिहड़ा उपराला पंजाब सरकार का, मैं धन्नवाद करदा साढ़े मुख्यमंत्री साहब का और शहर शहर च हो रही है जिहदे नाल सानूं रोड सेफ्टी के जिहड़े रूल्स ने उन्हां नूं किवें अडोप्ट करना उहदे बारे नॉलेज मिलेगी।